तो मेरा प्रत्येक वीडियो 5 मिनट का होने के कारण थोड़ा सा इसमें प्रत्येक टाइम में थोड़ा डिले तो होगा ही, क्योंकि ऑनलाइन कोशिश की है पर हो नहीं पाया है। इसके लिए कुछ हमें सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी जो हम आगे चल के कर पाएंगे, तो फिलहाल एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए तो हमने एडमिट कार्ड बनाया है और इन एडमिट कार्ड को हाल फिलहाल में हमने एग्जाम्स लिए थे, तो यहाँ पे अब आपको हम एडमिट कार्ड का साइज लेने के लिए बताएंगे, बॉर्डर भी लगाने के लिए बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे, घबराना नहीं है कि कैसे कैसे आप बना रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे ही आपने यहाँ पे हमने मार्जिक्स के अंदर बताया कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको साइज लेने हैं, तो इन साइज को सबसे पहले हम सभी जगह हमने जीरो किया था। तो चलिए हम पेज लेआउट के अंदर में मार्जिन्स के अंदर में पहुँचते हैं, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पे ए हम जीरो कर लेंगे, जीरो 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 बिल्कुल जीरो कर लेंगे। अगर हम लोग देखेंगे कि पेपर्स में आएंगे हम लोग आगे चल के कि पेपर लेना है, मार्जिन का मतलब आपने समझ के कि पेज में चौथाई कितने बाई कितने को छोड़ना है। बाकी पेजेज है, मिरर पेज है, एक पेज में अगर दो शीट दिखाना है, बुक को फोल्ड करके दिखाना है कि एक किताब है उसको फोल्ड करके दिखाना है, वो सारे चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए हम पेपर्स में आ जाते हैं। तो पेपर में सबसे पहले दिया हुआ पेपर का साइज, तो पेपर का साइज आप यहाँ से अलग अलग प्रकार के सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ कि जो हमने फोटोकॉपी जो करवाते हैं वो सारे पेपर हमारे A4 साइज के होते हैं, बाकी सर्टिफिकेट मार्कशीट का जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो आपको A4 भी होते हैं, A3 भी हो सकते हैं, लीगल भी हो सकते हैं, ये आपको साइज के अकॉर्डिंग अपने आप सिलेक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मानते हैं आप A4 साइज भी लेते हैं तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे पेपर्स के अंदर में आपको देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ विथ है, विथ और एक है हाइट। विथ का मतलब चौड़ाई और हाइट का मतलब होता है लंबाई, यानी कि ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारा आपको देखिए मार्जिन्स के अंदर में जीरो है। पेपर में हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मानते हैं एडमिट कार्ड के साइज के आकार में ले लेते हैं, जैसे 7x7 का अगर हमको बनाना है तो 7x7 का ले लेते हैं और यहाँ ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो देखिए हमारा पेज उसी तरह का हो गया, यानी कि एक एडमिट कार्ड के साइज के बराबर में हो गया है। अगर हम यहाँ से और आगे कस्टम मार्जिन पे जाते हैं, अगर पेपर्स में जाते हैं और 7x7 की जगह पे थोड़ी जो वर्टिकल ऊंचाई है उसको हम कम कर देते हैं, यानी 5 कर देते हैं तो साफ दिखेगा। ओके, तो हमारा देखिए ये बिल्कुल इतनी के दायरे में, ये इतने ही के दायरे में हमारा एक पेज एडजस्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड की तरह या फिर स्कूल वगैरह में जो आईडी कार्ड मिलते हैं वो आईडी कार्ड बनाने हैं तो क्या करने हैं, तो आईडी कार्ड के अनुसार भी आप यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको देखिए कस्टम मार्जिन दिखते हैं, एक कस्टम मार्जिन पे जाना है और आपको यहाँ पर पेपर में जाने के बाद उसी के अकॉर्डिंग ले लेना है। जैसे मान के चलते हैं कि अगर हम एक आईडी कार्ड बनाते हैं तो हार्डली 2.5 या 3 का होगा, यानी अगर हम 2.5 लेके चलते हैं तो 2.5x3 का लेके चलते हैं, यानी 2.5 इसकी चौड़ाई हो और 3 इसकी लंबाई हो, या फिर 3x3 को भी ले सकते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखिए ये एक एडमिट कार्ड के साइज का आ गया। अगर आपको थोड़ा सा चौड़ाई ज़्यादा ही लग रही है आप इसको यहाँ पर कम कर सकते हैं, तो हम इसको बीच की चौड़ाई को यहाँ पे 2 ही रखते हैं और ओके। तो इस प्रकार से जो है आप एक एडमिट कार्ड का साइज ले सकते हैं, लिखने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। तो अब इतने के बाद आप लोग को कम से कम मार्जिन्स अच्छे से आ जाना चाहिए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, कितने बाई कितने का बनाने जा रहे हैं, तो इस तरह का हम लोग को पेज एक्सेप्ट कर लेने हैं। अभी आपका आईडी कार्ड के लिए हो गया, अगर 7x6 का लिए हुए थे अगर हम, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने ए लिया तो इस तरीक़ों का बना सकते हैं, आधार कार्ड टाइप का। अगर मानते और इसको लेते हैं तो ये आपको एडमिट कार्ड टाइप का, आप अलग अलग प्रकार का बना सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं है। तो मार्जिन्स के अंदर में हमने देखा कि पहले मार्जिन्स यानी कि चौथाई को छोड़ना, ओरिएंटेशन को बदलना, और एक बात बता दूं कि डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि जैसे ही आप डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं, यस करते हैं, तो यस करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट कर लेता है कि अगले बार जैसे ही आप किसी प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो वो प्रोग्राम उसी अवस्था में दिखाई देगा। चलिए तो डिफ़ॉल्ट वाला काम आप खुद कर लेंगे या फिर हम नेक्स्ट पार्ट टैब को ख़त्म क्लियर करने के बाद बताएंगे। चलिए ओके, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको गटर पोजीशन भी दिखा दिए जो कि स्पाइरल रिंग के लिए छोड़ा जाता है। चलिए ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन, जो कि हमको पेज लेआउट में ही बता देते थे। अगर पोर्ट्रेट करेंगे ये खड़ा पेज हो जाएगा, देखिए आपका चेंज हो गया। अगर यहाँ पर